हेलो फैमिली, वेलकम टू नेक्स्ट ब्लॉग। और अभी मैं और मिक्कू जा रहे हैं कुछ मार्केट के काम से, और उसके बाद शायद मैं अम्बाला जाऊंगा और फिर इवनिंग में मैं जिम जाऊंगा। और अभी मोहन नगर से गाड़ी निकाल रहे थे। ये देखिए मोहन नगर से गाड़ी निकालना और मोहन नगर में वापस गाड़ी लेके जाना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि साइड वाले यहाँ पे अपनी बाइक्स और स्कूटियाँ खड़ी कर देते हैं। चलो गाड़ी निकाल के फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। पांच पांच पैक कर दे, पांच। हाँ, अभी मैं और मिक्कू घूम रहे हैं मार्केट के कुछ काम करते हुए। और आज मुझे सुबह अम्बाला जाना था अपना न्यूट्रिशन का ऑर्डर पिक करने के लिए, बट वहाँ पे पिकअप पर्सन से बात हुई थी तो उसने बोला कि अभी उसके पास भी डिलीवरी हुई नहीं है, तो वो मुझे कॉल करेगा, उसके बाद ही मैं पिक करने जाऊँगा। और ऑर्डर पिक करने के चक्कर में मैं आज मॉर्निंग में जिम भी नहीं गया, तो आज इवनिंग में जिम में जाऊँगा, क्योंकि मैं अपना वर्कआउट मिस ना हो ऐसी कोशिश करता हूँ। यहाँ से कुछ नारियल पानी परचेज किया मैंने, और मैं सोचा घर वालों के लिए सबके लिए ले जाता हूँ। और ये पैकिंग हो रही है अभी यहाँ पे, और मिक्कू भी आज चिल मोड के अंदर है, मज़े कर रहा है साथ में। बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, सर्दियों की छुट्टियाँ, और आप देख सकते हैं कि आज तो पूरी धूप निकली हुई है, और जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी फिर सर्दियाँ चालू हो जाएंगी। पानी हमने ले लिए हैं, मिक्कू अपने पास ही रख के बैठे हैं, और अभी चलते हैं, एक दो काम और हैं, उसके बाद देखता हूँ कि आज अम्बाला जाना होएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर जिम चलते हैं। और
मार्केट के मेरे सारे काम आज हो चुके हैं, जो भी कुछ काम पेंडिंग थे। और मेरे दो तीन कंज्यूमर्स हैं जो न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं, उनको भी न्यूट्रिशन डिलीवर करना था, तो वो सारे काम हो चुके हैं। और अंबाला जाना मेरा आज भी नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर स्टॉक अवेलेबल नहीं था, और उसने बोला कि आप कल आ जाना, कल तक शायद वहाँ पर स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा। और आज मैं मॉर्निंग में जिम नहीं गया, अभी जिम जा रहा हूँ मैं, 5 बज चुके हैं, और आज मैं इवनिंग में जिम जा रहा हूँ। और इवनिंग में जिम जाना मैं प्रेफर भी नहीं करता। रीज़न क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वेट मिलता नहीं है, आप डंबल के लिए प्लेट के लिए लाइन में लगे रहो, और इसलिए मैं मॉर्निंग में जाता हूँ। बट आज मैं इवनिंग में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा वर्कआउट स्किप हो, और इसलिए मैं आज इवनिंग में जा रहा हूँ, क्योंकि वर्कआउट होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाए तो इवनिंग में करो, इवनिंग में नहीं कर पाते तो मॉर्निंग में करो। चाहे आप आधी रात को वर्कआउट करो, बट अपना वर्कआउट सेशन जरूर कंप्लीट करो। तो अभी मैं जिम चलता हूँ और ट्राई करता हूँ, अगर वहाँ पे वीडियो बन पाया तो जरूर रिकॉर्ड करूँगा। सात बज के 10 मिनट हो चुके हैं और अपना 2 घंटे का वर्कआउट सेशन कंप्लीट हुआ, और अभी जा रहा हूँ मैं वापस घर। तो घर चलते हैं, और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, अभी चलते हैं घर। आज जिम में मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाया। उसका रीज़न ये था कि इवनिंग में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और जब आप किसी के साथ वर्कआउट करते हैं तो आपको बैक टू बैक कंपनी देनी होती है वर्कआउट के लिए, और इतना इजी नहीं होता वीडियो बनाना, आप हर वर्कआउट की वीडियो बनाओ। बट आज हमने शोल्डर के बजाय चेस्ट वर्कआउट किया, और फर्स्ट टाइम मैंने आज लगभग 120 केजी की बेंच प्रेस ट्राई की, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने आज तक कभी किया नहीं था। तो कंपनी जब आपको मिलती है तो आप ऐसा कुछ कर पाते हैं, मैं वो वीडियो शेयर करूंगा। और अभी मैं घर आ गया हूँ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नवीन फिट कोच आप सर्च करेंगे तो। मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मेरी एक्टिविटी रहती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और जितना भी मुझसे व्लॉग के थ्रू शेयर हो पाता है मैं ट्राई भी कर रहा हूँ 2-3 दिन से, जब से मैंने स्टार्ट किया है। और मैंने फर्स्ट व्लॉग में भी यही बोला था कि मुझे जो लगता है कि ये काम मुझे सीखना चाहिए, करना चाहिए, और वो धीरे धीरे मेरी हॉबी बन जाती है। ऐसे ही मैंने जिमिंग शुरू की थी, और अभी मैं हर दिन वर्कआउट करता हूँ। अब ऐसे ही मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं, तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, देखते रहिएगा व्लॉग, और जो आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।